सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्विन टर्बो यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कुछ टॉप यूजफुल कार एक्सेसरीज हमने चूज किया है जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होगा इमरजेंसी में। इसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मारुति सुजुकी सेलेरियो एक्स बाय और नॉट। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी सेलेरियो की एक नए मॉडल सेलेरियो एक्स के बारे में, जो कि अपने ब्लैक क्लाइडिंग नए डिजाइन एक्सटीरियर के साथ काफी बेहतरीन लगता है। काफी लोग अट्रैक्ट होते हैं इस गाड़ी को देखकर, लेकिन ये गाड़ी सही में परचेस करना सही रहेगा ये, या वैल्यू फॉर मनी गाड़ी होगा या नहीं होगा? तो चलिए इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं, ये गाड़ी को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ रश्मिकांत, आप लोग देख रहे हैं ट्विंटर वीडियो चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें गाड़ी के प्राइस रेंज, तो इस गाड़ी के प्राइस रेंज पेट्रोल मैनुअल में 5.3 लाख से शुरू होकर 6.1 लाख से जाती है ऑन रोड डेली के प्राइस रेंज के हिसाब से, और ऑटोमेटिक में 5.87 लाख से लेकर 6.34 लाख तक जाती है ऑन रोड डेली के प्राइस रेंज के हिसाब से। अगर बात करें इस प्राइस रेंज के हिसाब से गाड़ी में कई सारे पॉजिटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर बात करें गाड़ी की, पहले पॉजिटिव पॉइंट आता है गाड़ी की एक्सटीरियर लुक। गाड़ी का जो ये नया लुक दिया गया है, ये लुक गाड़ी को काफी बेहतरीन लगता है। गाड़ी के एक्सटीरियर में जो आपको ब्लैक लाइटिंग दिया गया है, आपको ब्लैक व्हील्स दिया गया है, ब्लैक रूफ रेल दिया गया है, ये जो ब्लैक फिनिशिंग दिया गया है ये गाड़ी को काफी बेहतरीन लगता है। उसके साथ साथ इंटीरियर भी पूरा ब्लैक फिनिशिंग के साथ आता है, पूरा ब्लैक फिनिशिंग गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक देता है, ये भी काफी बेहतरीन है। उसके साथ साथ एक अच्छा लुक के साथ साथ गाड़ी में 1 लीटर का के सीरीज पेट्रोल इंजन आता है, जो कि उतना अच्छा तो पावर नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको एक डिसेंट पावर के साथ 23.1 केएमपीएल का माइलेज भी क्लेम करता है, ये काफ़ी बेहतर है। अगर बात करें इसमें आपको ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि एएमटी ऑप्शन है ऑटोमेटिक में, तो ये काफ़ी बेहतरीन है एक गाड़ी में रहना। और उसके साथ साथ गाड़ी में सेफ्टी की वाइज देखा जाए तो टॉप एंड वेरिएंट में आपको 2 एयरबैग ABS मिल जाता है, हालांकि और स्टैंडर्ड में सेफ्टी में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट में 2 एयरबैग और ABS मिल जाता है। गाड़ी में फीचर भी कई सारे हैं, जैसे कि कीलेस एंट्री, मैनुअल AC आपको मिल जाता है, पावर विंडोज आपको मिल जाता है, आपको रेयर डिफोगर मिल जाता है, रेयर वाइपर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVMs मिल जाता है। गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम 4 स्पीकर के साथ आ जाता है, ऑक्स USB ब्लूटूथ भी आपको मिल जाता है, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स आपको मिल जाता है, रेयर सीट को आपको 60-40 के हिसाब से स्प्लिट करके आपके अपने हिसाब से बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं, तो ये काफ़ी सारे फीचर्स आपको गाड़ी में मिल जाता है। लेकिन अगर बात करें सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है मारुति सुजुकी का ब्रांड नेम और रिलायबिलिटी। जी हाँ, मारुति सुजुकी का ब्रांड नेम सबसे बेहतरीन है और गाड़ी अपनी रिलायबिलिटी के लिए मारुति सुजुकी की गाड़ियाँ अपने आप से काफ़ी बेहतरीन है। अगर बात करें गाड़ी की सर्विस नेटवर्क की, काफ़ी बेहतरीन है, जिसमें आपको हर जगह पर इंडिया के सारे जगहों पर सर्विस नेटवर्क मिल सकता है, और मारुति सुजुकी की गाड़ियों का रीसेल वैल्यू भी काफ़ी बेहतरीन है और सेलेरियो का रीसेल वैल्यू भी काफ़ी बेहतरीन है, तो सेलेरियो एक्स की रीसेल वैल्यू भी अच्छा खासा रहेगा। पॉजिटिव पॉइंट्स तो काफ़ी सारे हैं, उसके बाद बात करें गाड़ी में कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। इस सेगमेंट में जितने सारे गाड़ियां हैं, हालांकि मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सा पुअर रहता है, फिर भी अगर बात करें सेलेरियो एक्स की, सेलेरियो एक्स की एक्सटीरियर की बिल्ड क्वालिटी उतना अच्छा खासा नहीं है। अगर आप गाड़ी को पास में देखेंगे, गाड़ी को टच करके फील करेंगे, आपको उतना अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी महसूस नहीं होगा। अगर बात करें गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो सेफ्टी में आपको कुछ स्टैंडर्ड तो सेफ्टी नहीं मिलता है, और उसके साथ साथ कंपेयर करें इसी सेगमेंट में, इसी के साथ अगर बात करें टाटा की टियागो के बारे में इसी प्राइस रेंज के अंदर, तो उसमें आपको 2 एयरबैग ABS EBD आपको मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पे सिर्फ 2 एयरबैग ABS ही मिलता है, और फीचर वाइज भी काफ़ी लेस मिलता है टियागो से। टियागो में आपको हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जो कि आपको 8 स्पीकर के साथ आ जाता है, और उसके साथ साथ आपको नेविगेशन जैसे फीचर्स मिल जाता है, उसके साथ साथ आपको पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको उतना कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलता है। अगर बात करें इस गाड़ी की प्राइस रेंज के हिसाब से, मारुति सुजुकी के ब्रांड नेम से हिसाब से गाड़ी काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन अगर बात करें गाड़ी की फीचर वाइज, प्राइस टू फीचर वाइज देखें, तो गाड़ी उतना बेस्ट नहीं कहूँगा, ठीक ठाक है। अगर आप चाहते हैं सेलेरियो एक्स को खरीदना, तो ये आपके लिए मुझे लगता है बेटर ऑप्शन नहीं रहेगा, एक अलग ऑप्शन टाटा टियागो का आप चूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस घटाकर आप क्विड को भी चूज़ कर सकते हैं या टियागो चूज़ कर सकते हैं, हालांकि क्विड उतना बेहतरीन तो नहीं बनूंगा,
हालांकि मारुति सुजुकी का ट्रस्ट अगर चाहते हैं तो सेलेरियो आप ले सकते हैं, सेलेरियो एक्स को चूज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है गाड़ी के बारे में प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। मुझे पर्सनली अगर बात करें तो कंपेयर टू सेलेरियो एक्स और टाटा टियागो मुझे टाटा टियागो काफ़ी बेहतरीन लगता है। आपको क्या लगता है सेलेरियो एक्स अच्छा लगता है या टाटा टियागो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये मेरा पर्सनल राय था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता है अपने लाइक या डिसलाइक से मुझे बता दीजिएगा, और ऐसे ऐसे नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेल एंड टेक केयर, बी सेफ, बाय।